नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक विषय ले रहा हूं जिसे कहा जाता है कम्युनिकेशन गैप। हिंदी में इसे कहते हैं संवादहीनता। एक ऐसी स्थिति होती है जब हम एक दूसरे से बात करने में असमर्थ होते हैं, उसको सुनने में असमर्थ होते हैं, समझने में असमर्थ होते हैं। ये बात हम ना उसकी सुन पाते हैं ना समझ पाते हैं। ये कारण होता है कुछ गलतफहमियों से, और ये गलतफहमी ही कम्युनिकेशन गैप कही जाती है। इसका उदाहरण हम एक देते हैं। एक टीचर ने क्लास में 40 बच्चों की क्लास थी, उसमें एक बच्चे के कान में कहा, पहले बच्चे के कान में, कि एक बच्चा रोटी खा रहा था, रोटी का टुकड़ा गिर गया, एक कौवा आया, रोटी के टुकड़े को निगल गया। उसने बच्चे से कहा, तुम दूसरे बच्चे को यही बात जल्दी जल्दी कहो, और दूसरे से कहा तुम तीसरे को चौथे को कहो। और जब 40वें बच्चे से पूछा गया कि क्या कहा गया, उस बच्चे ने जो जवाब दिया उसे कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। उस बच्चे ने जवाब दिया, एक कौवा बच्चे को निगल गया। तो दोस्तों, ये है कम्युनिकेशन गैप। आप अपने जीवन में कम्युनिकेशन गैप मत बनाए। जीवन में कम्युनिकेशन गैप तब बनता है जब एक ने कुछ कही, दूसरे ने कुछ सुनी। आपके पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका मित्रता आज टूटने के कगार पे आता है सिर्फ और सिर्फ इस कम्युनिकेशन गैप से। मेरे दोस्तों, जब भी ऐसी स्थिति आए, आपका तरीका है आप एक दूसरे से मिलिए। मिस्टर ए ने कह दिया और बी ने सुन लिया, बी ने कहा, ए ने सुना, इस बीच में बहुत से और लोग आए, उन्होंने आपके संबंधों को खराब कर दिया। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है आप आपस में एक दूसरे से मिले। परिवार के रिश्ते खराब हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच के रिश्ते खराब हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से। जो दूसरे लोग कहते हैं और जो लोग सुन के समझ नहीं पाते, उनकी अनुभवहीनता यहाँ होती है, असंगति होती है। अगर आज इंसान इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने में लग जाए तो उसका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, मित्रता में कोई रुकावट नहीं आएगी। पति पत्नी के बीच में संबंध अगर आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो शायद जो उनकी संबंध विच्छेद की स्थिति है वो भी समाप्त हो जाएगी। मित्रों के बीच में जो अनबन है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, कम्युनिकेशन गैप में मत जाओ। किसने क्या कहा ये मत सुनो। और ये सब बातें कहाँ होती है, हम समूहों में बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, जिसका किसी से लेना देना नहीं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आपके पास कोई और संदेश आया और उस संदेश को आपने बिना जांचे परखे मान लिया, ये मेरे जीवन में ये इसने कहा होगा। चाणक्य के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, अपने एक मित्र के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे पास 3 छन्नी है, हम उन छन्नियों से मैं इसे छानूंगा, अगर वो है तो हम आपस में बात करेंगे। उन्होंने कहा, पहली छन्नी ये है, क्या ये जो बात आप हमें अपने मित्र के लिए बताना चाहते हैं वो सत्य है? उस व्यक्ति ने कहा, ये मुझे पता नहीं कि ये सत्य है या असत्य है, हमने दूसरों से सुना है। उसने कहा, दूसरी छन्नी ये है, क्या ये दोनों बात करने से किसी की भलाई होगी, इंसानियत के लिए कोई काम होगा? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसमें कन्फर्म नहीं हूं कि इससे कोई दूसरे की भलाई होगी या किसी इंसानियत के काम आएगी। बोले, तीसरी बात, हम ये जो चर्चा करेंगे उस मित्र के लिए, उससे हमें और आपको किसी प्रकार का कोई लाभ होगा? उस व्यक्ति ने साफ कहा, नहीं, मुझे ये भी नहीं मालूम। तो उसने कहा, आप तीनों छन्नी में फेल हुई। ये है कम्युनिकेशन गैप में सबसे महत्वपूर्ण बात, कि हम सुने किसी बात को, अनुभव करें और ये जाने उसकी सत्यता को, देखें कि वास्तव में वो बात सत्य है या नहीं। मेरे दोस्तों, इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करो, अपने जीवन में इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करो, अपने परिवार में इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करो, अपने मित्रों के बीच में इस कम्युनिकेशन को दूर करो, और डू इट नाउ। इस कम्युनिकेशन को दूर करो, आनंद में रहो, आनंद दो इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करके। धन्यवाद।